तो गुड लॉन्ग द लेजेंड ऑफ हनुमान का सीजन 4 रिलीज हो चुका है और इस वीडियो में बात करेंगे कि द लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4 कैसा है और क्या आपको ये सीरीज देखनी चाहिए कि नहीं। तो देखो हनुमान के सीजन 4 के टोटल 6 एपिसोड है और अभी आपको दो ही एपिसोड देखने के लिए मिलेंगे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे, क्योंकि इसकी जो 4 एपिसोड है उसे वीकली रिलीज किया जाएगा, मतलब कि आपको हर वेडनेसडे को एक एपिसोड देखने के लिए मिलेगा, जो कि मुझे बहुत डिसअपॉइंट की क्योंकि इसका हर एपिसोड एक एक वीक बाद आपको देखने को मिलेगा वो अच्छी बात है नहीं और इंतजार भी मुझसे होता नहीं। तो आप मेरी इस बात पे राजी हो कि कमेंट बताना। बाकी बात की जाए इसके एनिमेशन की, एनिमेशन काफी अच्छा था, अपने इंडियन एनिमेशन कि जो लोग हैं वो अच्छा एनिमेशन किए हैं हनुमान का सीजन 4 में। और बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी को थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, जबकि मेकर्स के पास रामायण का पूरा डिटेल से तब भी उन्हें अपने हिसाब से हमें स्टोरी प्रेजेंट करना है, इसलिए इसमें थोड़ी सी स्टोरी चेंज की गई है। बाकी इसके 4 एपिसोड और भी बचे हैं तो वो आएंगे तभी हम बता पाएंगे कि ये सीरीज में टोटल क्या देखने के लिए हमें मिला है और इसका सीजन 5 भी आ सकता है। बाकी इसके एनिमेशन के साथ इसका डबिंग भी अच्छा था और इसमें जो एक्शन दिखाया गया हनुमान और कुंभकर्ण का वो भी काफी अच्छा था, कुंभकर्ण का जो एंट्री था वो भी अच्छा दिखाया गया। तो ये सब इसके प्लस पॉइंट है। बाकी ये सीरीज एक एनिमेटेड सीरीज है तो हम वेट करते हैं कि आगे हमें क्या देखने के लिए मिलता है और कहाँ तक स्टोरी पहुंच पाती है। तो वेट करते हैं हर वीक इसका रिलीज का, लास्ट में हम बात करेंगे जब इसके पूरे एपिसोड रिलीज हो जाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर देना।